यस डेटा से मैं शुभ्रा रॉय। आखिरकार पायल घोष ने अपनी FIR ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ही चुकी है जो अनुराग कश्यप के खिलाफ है, और पहले दिन उनको ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपने FIR बिना दर्ज करके ही लौट जाना पड़ा। और कहीं पे देखे तो BMC ने उनके जो एरिया है उसको कंटेंट जोन बना दिया गया था, और इस FIR में उन्होंने सेक्शन 4 लगाए है, जैसे कि 376, 341, 342 एंड 354 जैसे धारा लगाया है। इसमें ये है कि किसी लड़की पे जबरदस्ती करने का आरोप है और किसी को सेक्सुअली हैरेसमेंट मतलब रेप करने का भी आरोप है, और इसमें और भी है जो मर्यादा भंग करने के लिए जो सेक्शन में लागू है। क्या अनुराग कश्यप इसके ऊपर कोई रिएक्ट करता है कि नहीं, और उनका क्या स्टेप होता है उसके बाद? NCP गेस्ट हाउस पहुंची SIT ऑफिसर की 2 गाड़ी, एक गाड़ी में से 4 ऑफिसर बाहर निकले और दूसरी गाड़ी से 3 ऑफिसर, टोटल 7 ऑफिसर NCP गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। अभी अभी कौन टैलेंट कंपनी के जो CEO थ्रू NCP गेस्ट हाउस में पहुंचे, उनको 2 बजे बुलाया गया था और वो 2:30 यहाँ पे मौजूद हुए हैं। उनसे दूसरे फ्लोर पे पूछताछ जारी है। कौन टैलेंट कंपनी के डायरेक्टर मधु मंटेना वर्मा को 11 बजे बुलाया गया था और यहाँ पे 11:30 पहुँचे थे, अभी उनसे दूसरे फ्लोर पे पूछताछ जारी है। अभी अभी NCP गेस्ट हाउस पहुँची जया शाह, जो कौन टैलेंट कंपनी की मैनेजर थी, उनको पहले दिन 6:30 पूछताछ किया गया था और दूसरे दिन 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ किया गया था। आज उनको 2 बजे बुलाया गया और वो यहाँ पे 2:55 पे पहुँची है। अभी उनसे इसी दूसरे मंजिल पे पूछताछ चल रहा है, और ध्रुव, जया शाह और मधु से पूछताछ अभी भी चल रहा है। क्या जया शाह की गिरफ्तारी आज होगी या नहीं? दीपिका पादुकोण और सारा अली खान श्रद्धा कपूर को भेजा गया है समन। दीपिका पादुकोण से NCP के SIT ऑफिसर करेंगे पूछताछ। देखते हैं इन लोग के पूछताछ में कितना खुलासा आता है और कितने बॉलीवुड का नाम सामने आता है। यश डेटा से मैं रोशनी दुबे।